देवकी के पारंदम कृष्णम वंदे जगद गुरु ब्रह्मा हवि ब्रह्मा विघ्नु ब्रह्मा नाहत नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ विश्व की योग राजधानी ऋषिकेश में ऋषिकेश में आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक कहानी दिखाई थी क्रिस्टीनिया नाम की एक छोटी बच्ची की जो रशिया से थी जिसकी उम्र महज सात साल की थी और वो किस तरीके से भारतीय मंत्रों को सुना रही थी उनका उच्चारण बड़ी स्पष्टता के साथ कर रही थी जिसने गायत्री मंत्र भी सुनाया था जिसने आपको हनुमान चालीसा भी पूरी कंठस्थ सुनाई थी और भी उसने अलग अलग प्रकार के भजन भी सुनाए थे उसने उस वीडियो में बताया था अपनी मम्मी के बारे में कि उसकी मम्मी का नाम मरीना है तो आज मैंने आपसे क्योंकि वादा भी किया था कि अगर आप उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे तो मैं उसकी मम्मी से भी आपको एक संवाद एक कन्वर्सेशन दिखाऊंगा तो आज हमारे साथ उसकी मम्मी है मरीना जो रशिया से हैं वेलकम टू इंडिया एज़ वेल एज़ इन आर प्लेटफॉर्म सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई वॉन्ट टू नो दैट विच थिंक ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड यू जस्ट लाइक इंडियन कल्चरफियर एटमोसफियर इंडियन कल्चर को पसंद और यहाँ का जो वातावरण है यहाँ की जो आबो हवा है जिसको देख करके दुनिया के तमाम देश यहाँ खिंचे चले आते हैं वही इनको भी पसंद आया इनकी बच्ची ने बहुत अच्छे से सारे चीज़ें बताई थी शायद आज भी भारत के बच्चे उतना ना जानते हों तो मरीना क्वेश्चन मैनी व्यूअर्स आस्क द क्वेश्चन दैट योर डॉटर हाउ शी इज़ वेरी मच इंटेलिजेंट इन हिंदी मंत्र एंड भजन्स इवन यू आर नॉट एबल टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड हिंदी बट शी इज़ वेरी वेल फॉलो मी एवरीवेयर वी गोइंग टूगेदर टोजी एंड शी इज बे बीज सो शी लोन वेरी फास्टी फास्टर देन मी सो इट इज लाइक दिस बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं उनका दिमाग जब ग्रोथ में होता है जब विकासशील होता है तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सीख लेते हैं यही कारण है कि क्रिस्टीनिया बहुत आगे चली गई भारत को सीखने में मैरीना अभी भी सीख रही हैं तो इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ विद योर डॉटर सो हाउ मच मार्क्स यू विल गिव टू हर एंड हाउ मच यू विल गिव टू योर सेल्फ आउट ऑफ टेन इन लर्निंग इंडियन कल्चर मंत्र एंड हिंदी भजन मेंिस्ट नो लाइक एट एंड आई लाइक क्रिस्टीनिया को अपने से दो नंबर फालतू उनकी मम्मी ने दिए हैं सो मैरिना इन विच ईयर यू केम इंडिया 19 2019 since 2019 you are in india yes uh, you go any other city in india or always remain in rishikesh i visited uh, other towns uh, before before because now it is my sixth town uh, sixth time in india sixth time in india yes means uh, when you came in 2019

फर्स्ट विजिट ऑफ हर और बिफोर शी ऑल्सो केम इस्ट टाइम फर्स्ट टाइम दो हज़ार 2019 में ये अपनी बेटी को साथ में लाई भारत और फर्स्ट टाइम लाते ही वो यहाँ की चीज़ों से इतना ज़्यादा घुल मिल गई इतना ज़्यादा उन्होंने सीख लिया इतना ज़्यादा उन्होंने अपने गुरुजी की बातों को मान मान करके अपने भीतर उन चीज़ों को धारण कर लिया कि आज पहली विजिट में क्रिस्टीनिया इतना कुछ सीख गई और मैरीना की ये छठी विजिट है अभी सीख ही रही हैं तो व्हाट इज़ द डिफरेंस यू एक्सपीरियंस्ड दैट डिफरेंस बिटवीन इंडियन कल्चर एंड योर ओन रशियन कल्चर यू एक्सपीरियंसड अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस यू नो आई एम लिविंग इन टाउन नियर बाय मॉस्को So uh, there is mm, a lot of bad habits uh, people have, and uh, they now have uh, like um, so much uh, spiritual spirituality, and uh, people always very angry, very not like here not like here yes it is big difference it is this spirituality which kind of bad habits people follow there like alcohol and uh, smoking and many <laughs> many daru sharab or स्मोकिंग यानी कि सिगरेट पीना वहाँ के कल्चर में बहुत घुला मिला सा है वो एक वहाँ का एक स्वभाव सा हो गया है बाहर का और अब तो भारत का भी वो धीरे धीरे होता जा रहा है तो यू ऑल्सो वेन यू वॉज इन रशिया यू ऑल्सो ट्राई अल्कोहल और एनी दिस काइंड ऑफ थिंग्स और नोट मैनीयर्सो नाउ नो यू स्किप्ट ऑल दो थिंग आफ्टर कमिंग इंडिया और बिफोर यू ना Many years before. Many years before you? Also, skipped. before when I started to practice yoga, hmm. also before that. Okay. So, you also recite some mantra or some bhajan as your daughter? Yes. Can you recite something different from your daughter, not that your daughter recited before? Yes. स्वस्ति प्रजा परिपालयान्तं न्यये

शांति 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 आप सुन रहे हैं कि क्रिस्टीनिया की मम्मी कैसे संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण कर रही हैं कैसे वो भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता इन सारी चीज़ों को सीख रही हैं वहाँ की जो रशिया की कल्चर है उसमें शराब और इस तरीके की बुरी आदतें आम सी हो गई हैं और उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगती है इसीलिए वो भारत के कल्चर को भारत की संस्कृति को भारत की मान्यताओं को और भारतीय लोगों की अच्छी आदतों को यहाँ की आबो हवा को यहाँ के वातावरण को अपने देश से ज़्यादा पसंद करती हैं और वो आप देख भी रहे हैं कि पसंद करने के साथ साथ उन्होंने उन चीज़ों को सीखा भी है देर आर मैनी स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडियन कल्चर सच एज भगवद गीता रामायणा एंड वेदास सो यू ऑल्सो स्टडीज दिस काइंड ऑफ बुक्स विच विच यू हैव आई हैव गीता है

सुदेवसुतं देवं कंसचारो न देवकी पारमानन्दं कृष्णं वन्दे जगाद्गुरु Any message you want to convey to Indian peoples, because you have a lot of experience of both the countries, uh, Russia as well as India. There are many differences between both the countries, and you have experience. Uh, there are, uh, there must be, there would be any lack in your country. That's why you are here uh, to learn all those things. So, what's your, you can convey any message to young generation, especially of India. You know, in India now, uh, a lot of young, mostly young people want to live like uh, Western. Yeah. They want uh, wanted same style lifestyle, but it is totally wrong, because India it is only one country in all world which have uh, so good. Uh, so good uh, lifestyle from many uh, thousand mm. years, mm. like Ayurveda mm. and yoga and all this, and uh, young people in India should also learn it. Mm. And uh, please don't try to live like uh, Western people because they just killing themselves mm. and. Uh, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू सेव दिस इंडियन कल्चर इनका खुद संदेश है कि भारत का जो नौजवान है जो भारत की आने वाली पीढ़ी है और जो भारत की आज की भी, भी आज की भी पीढ़ी है वो लोग अंधानुकरण कर रहे हैं बाहर के लोगों का वो ऐसा ना करें क्योंकि बाहर के लोग ऐसा करके खुद को मार रहे हैं और जबकि भारत के पास अपनी बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर दरो, है चाहे वो आयुर्वेद के रूप में हो चाहे वो योग के रूप में हो चाहे वो चार वेदों के रूप में हो इस तरीके का भंडार भारत के अंदर है और इसके साक्ष्य आपको अतीत के कालखंड में देखने को भी मिलेंगे लेकिन समस्या भारत के साथ ये है कि जब भारत का योग योग रहता है तो भारत के लोग उसको प्राथमिकता नहीं देते वरीयता नहीं देते जब वही भारत का योग अमेरिका से सर्टिफाइड होकर योगा बन जाता है तो भारत के लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं यही समस्या भारत के साथ है कि जब आयुर्वेद आयुर्वेद रहता है तो, है तो भारत के लोग उसको महत्ता नहीं देते और वही आयुर्वेद जब बाहर से सर्टिफाइड हो कर के आयुर्वेदा में तब्दील हो जाता है तो भारत के लोग हो हल्ला करने लगते हैं कि ये आयुर्वेद तो हमारा है तो इस तरीके की चीज़ें आज मैरीना ने मैरीना ने बताई हैं और इससे पहले भी हमने आपको इस तरीके की सीरीज़ दिखाई जिसमें बहुत सारे विदेशी चाहे वो बैन बाबा हो चार साल पैदल चल के जो भारत की यात्रा तय करते हैं चाहे वो रशिया की मकुस्ता मकुश्ता उर्जेश्वरी दासी हो ई चैन हो इस तरीके की बहुत सारी कहानियां आपने पहले देखी होंगी यदि नहीं देखी हैं तो आप जाकर के देखिए कि किस तरीके से भारत की संस्कृति से विदेशी लोग प्रभावित होकर पैदल चल जाते हैं और चार साल पैदल ही चलते रहते हैं भारत तक पहुंचने के लिए तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे किसी नए कहानी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही इसको सब्सक्राइब कर लें और किसी भी नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आइकन को दबाना ना भूलें आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे किसी नए कहानी किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार